कैसे उसको निकालें सेफ तरीके से, और उसकी कितने हीट एयर क्या रखें, सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। तो ये सारी चीज़ आप दवाई प्रैक्टिकल देखिए। तो ये क्लीनिंग और निकालने का एक वीडियो है जो ईसा टेलीकॉम आपको बता रहा है, देखिएगा। आज दिन कौन सा है? तो आज तारीख 16 है और सुबह का टाइम है, ये मॉर्निंग टाइम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ग्लू मिलेगा, तो इस ग्लू को आप यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं। और किसी भी काम को करने के टाइम पे, अच्छा मैं आपसे बहुत सारी बातें भी करूँगा बीच बीच में, तो किसी भी काम को करने से पहले है ना, एक बात समझ लें कि उसको जल्दबाजी में मत करें, बिल्कुल आराम से करें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आराम से करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको टूल्स भी दिखाते चलता हूँ, कौन कौन सा टूल्स मैं समय समय पर यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने जो कट किया था वो मैंने इससे कट किया था, 11 नंबर ब्लेड से। तो क्या होता है ना, देखो ये मल्टीमीटर बोल चुका मेरा। चलो अच्छा है, अब हम इसको निकालेंगे। हम इसको 300 से 400 के बीच में हीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी निकाल सकते हैं। ऊपर आप पत्रे पे हीट दे रहे हो, नोजल्स आप चाहो तो थोड़ा बड़ा और यूज़ कर सकते हो, पर क्योंकि हमें साइड साइड में ही हीट करना है, बीच में नहीं, क्योंकि ये साइड से ही लगा हुआ है, बहुत इजीली ये निकल जाता है। और नोजल को आपको हिलाते रहना है बकायदा। तो मैं क्या कह रहा था कि जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं है मोबाइल रिपेयरिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में, उनको लगता है कि जो 10 दिन 15 दिन का कोर्स कराते हैं उनके पास चले जाएं तो जल्दी टेक्नीशियन बन जाएंगे और जल्दी मार्केट में उतर के हर हर काम कर लेंगे। आप भी सोचिए कि अगर 10-15 दिन में ये सीख जाते तो फिर तो हर कोई मास्टर होता आज की डेट में। अब देखिए कितने तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिनको पूरा नॉलेज भी नहीं है, और जो सिर्फ एक आईसी को रिवॉल्व करना जानते हैं, जो कि तकरीबन हर कोई जानता है आज के डेट में जो काम कर रहा है। अच्छा तो क्या हर कोई इंस्टीट्यूट खोल लेता है? ये देखिए, तो बहुत सेफली तरीके से निकाल दिया हमने। और हमारे पास जो है वो है A11 हमारे पास है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लोगों को बहुत जल्दी काम सीखना है, भले ही काम आए ना आए, हल्का सा ही काम सीख जाएंगे तो भी चलेगा, फिर वो आगे का सोचते नहीं है। मतलब वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है, वो इंस्टीट्यूट के अपडेट क्या हैं, वो इंस्टीट्यूट के टीचर खुद के अपडेट में हैं कि नहीं है, उनके खुद के कितने काम आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आईसी निकालना लगाना दिखा रहे हैं या कुछ सर्किट पे भी काम दिखा रहे हैं या कुछ ऐसे जटिल मोबाइल बना के दिखा रहे हैं जो मार्केट में जिनका सलूशन कहीं नहीं है, सिर्फ नाम सुन के भी चले जाते हैं कई लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं भी कुछ स्पेस नहीं है, चारों तरफ में कॉम्पोनेंट दिए हुए हैं इसके, तो बहुत सफाई से यहाँ पर काम करना होगा। हम 11 नंबर ब्लेड से भी ग्लू को कट कर सकते हैं।
और स्क्रैबर से भी, तो हम स्क्रैबर यूज़ करेंगे। हीट देख ही ली होगी आपने। तो स्टूडेंट लोग को आज की डेट में बहुत हबड़ डबड़ पड़ी है सर, मतलब सीखने में वो चाहते हैं कि भाई 10 दिन में सिखा दो, उनको लगता है कि 10 दिन में सीख जाएंगे। अब आप कोर्स ही ले लो, कितना कोर्स है, सिर्फ सेक्शन बोलूँगा, आप देखेगा ऑडियो में कितने सारे सेक्शन हैं, स्पीकर हो गए, रिंगर हो गए, माइक हो गए, माइक में भी दो माइक हैं, माइक में भी दो माइक हैं, ऑडियो सेक्शन कितना बड़ा सेक्शन है, रिंगर एक आईसी, आजकल तो स्मार्ट पी आता है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि स्मार्ट पी के बारे में बताते होंगे आप लोगों को। थोड़ा सा लेंस में धूल जमी है मेरे को लगता है, क्लीन कर लेता हूँ। तो देखिए एक साइड का ग्लू कट हो चुका है, चार तो माइक, चार तो सेक्शन इसी में ही हो जाते हैं, अगर एक भी दिन एक को देंगे तो चार दिन। तो आप अगर एक दिन में सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप एक दिन में ऑडियो सेक्शन भी पढ़ रहे हैं, आप एक दिन में हर सेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको भाई सॉफ्टवेयर भी करना होता है। 10-15 दिन के कोर्स में आपको क्या क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर भी करना है आपको, MMC का प्रोग्रामिंग भी समझनी है आपको, एरर भी समझने होते हैं, फिर ब्लैक पेस्टेड भी करना होता है। कितनी बार करने का मिलेगा, खाली एक बार, क्या सीखोगे एक बार में, तो दुकान में जाके कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप 5-6 बार ब्लैक पेस्टेड काटोगे नहीं टीचर के सामने, अलग अलग सेट में और एक लाइव में, तब तक आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने वो किया है कि नहीं किया है। क्योंकि एक बार में तो एक अंदाजन तकरीबन तुक्काबाजी होती है। धंधा बना लिया आजकल लोगों ने मोबाइल रिपेयरिंग को, टीचिंग को, कुछ आता है नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखेंगे ना तो इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, आपको भी पता है ये चीज़। तो ये जो कॉयल हैं, बूस्ट कॉयल हैं, ये हमारी बक लाइन होती है दोस्तों, इससे हमारे CPU को कोर वोल्टेज जाता है पावर के थ्रू, और ये बक कन्वर्टर होते हैं। बक कन्वर्टर का भी एक अलग काम होता है, अगर एक कॉयल भी ओपन होगी ना तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा। तो उसकी जो सरफेस होती है ना वो काफ़ी तगड़ी होती है, आप अगर यहाँ पे स्केच भी मार देते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस में तो आपने इसको ड्रिलिंग करते हुए देखा होगा, क्योंकि तो इसकी लेयर इसके यहाँ पर तो होती नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आजकल के स्टूडेंट को काम फटाफट सीखना है, उनको मार्केट का किंग बनना है, उनको ये नहीं लगता कि जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं वो मार्केट में क्या एक दिन में किंग बने के क्या। और जब स्टूडेंट खुद काम करता है ना तो उसको समझ में आता है, डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखता है वो, पर 10 दिन में 15 दिन में तुम क्या सीख लोगे, सवाल तो यही है ना। हम तो खुद एज अ बीइंग टीचर हम 15 दिन में पढ़ा नहीं सकते,
क्योंकि हम जानते हैं कि 15 दिन में हम आपको क्या पढ़ा देंगे, और पढ़ाएंगे भी तो बहुत नकली। हमारा दिल नहीं करेगा पढ़ाने में, हम बोलेंगे क्या लेके जाओगे आप यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब डिस्प्ले सेक्शन की बात लेते हैं। चलिए, अब डिस्प्ले सेक्शन में खाली ये जानेंगे कि कितना वोल्टेज आता है या कुछ बनाएंगे भी। हर तरह की डिस्प्ले लाइन पता होनी चाहिए, ग्राफिक्स लाइन पता होनी चाहिए, PMI का सर्किट पता होना चाहिए, PML का सर्किट पता होना चाहिए, सिंगल पावर IC का सर्किट पता होना चाहिए, तब जाके कुछ बनाएंगे ना आप। पर नहीं, स्टूडेंट को तो सब कुछ एक दिन में ही जानना है और उसको आज आ भी जाना चाहिए, फिर उसके बाद में मोबाइल भी डेड, तो कैसे करेंगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि कैसे बढ़ाते हैं आज के इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि उनको आप उनको बिजनेस के तौर पर नहीं देख रहे ना। वो आपको एक महीना क्यों देंगे, वो चाहते तो दे भी सकते थे। वो आपको एक महीना क्यों देंगे, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं ना। वो तो एक महीने में 2 बैच या 3 बैच लगा के ज़्यादा स्टूडेंट बुला के, और उनका ध्यान आपको बुलाने के बाद में फिर यही रहता है कि अगले स्टूडेंट कब आ रहा है। पढ़ाने में थोड़ा ध्यान रहता है उनका। और टीचर भी कितना अपडेटेड है ये भी तो देखिए ना, उसका काम कितना डला है। अगर वो काम डालने में डर रहा है तो वो काहे का टीचर। तो ये मान लीजिए उसको काम आता ही नहीं है, बेसिक काम तो ये दुकान वाला भी कर लेगा। पावर IC निकालना लगाना तो आजकल कोई दुकान वाला कर लेगा। हमारे यहाँ तो हमारी जो मैडम है जो फ़ोन उठाती है, फातिमा मैडम, वो तक करती है। उनसे तक हमने पावर IC निकलवा लगा ली। बताइए, ये ग्लू निकालने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी ग्लू फंसा रह गया ना तो वो IC या ट्रैक निकाल देगा। करते करते आप भी बन जाएंगे मास्टर। देखिए, एक बड़ी सी इम्पोर्टेंट सी बात बताता हूँ। कभी भी अगर आप CPU निकालें हैं, किसका, iPhone का, तो जो उसके पास के जो बक लाइन के जो बूस्ट कॉइल होते हैं, इसके भी ग्लू काटिए हल्का से। आप देखिए तो बहुत से इंस्टीट्यूटों तो अपने जो स्टूडेंट्स के शुरू के रिव्यू लेते हैं वो कभी आखिरी में बताते भी नहीं हैं। वो ये तक नहीं बताते कि वो स्टूडेंट ने आउटपुट क्या रहा। जबकि आप ऐसा टेलीकॉम में देखेंगे तो हमेशा आपको एक फेयरवेल की पार्टी दिखाई देगी। स्टूडेंट का आपको आखिरी में भी स्टेज में हम पूरा आउटपुट लेते हैं।
और हर स्टूडेंट को हम 3 महीने के बाद में अपडेट के लिए बुलाते हैं। हर 3 महीने वो बोलते हैं उनको, आप अपडेट के लिए आइए, क्योंकि घर बैठ के क्या कुछ नहीं सीखा जा सकता दोस्तों। और जो लोग ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं वो तो फिर दुनिया के ही नहीं है, वो जो अपने काम को मजाक समझते हैं दोस्तों, उनको तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। वो तो राशन पानी भी घर पे आ जाएगा, उनका तो सब कुछ घर पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बूस्ट कॉल पे थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखाया कि जितना हो सकता है आप गैप करते हुए चलिए, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर एक आदमी बूस्ट कॉल ओपन हुआ तो आपका फ़ोन लेट जाएगा सीपीयू लगाने के बाद भी। इसके नीचे इसका बेसबैंड लगा हुआ है, बीबी सीपीयू बोलते हैं इसको, दूसरा सीपीयू है ये हमारे आईफोन का, ये आपको नेटवर्क देता है मॉडेम है आपका ये। थोड़ा आराम से काम करेंगे ना तो एक बार में काम डन कर देंगे, और जल्दबाजी करेंगे ना तो उसी काम को लटका देंगे, क्या होगा फिर? यही वाली केस सीखने पर दोस्तों आराम से सीखिए यार, हबड़ हबड़ क्या है। और सबसे बड़े नमूने तो वो होते हैं जो आईफोन और एंड्रॉयड को एक ही करके आप सीख रहे हैं, तो आप सबसे बड़े पगले हैं। अरे एक बार में एक कोर्स को लो भैया, साइंटिस्ट की औलाद तो हो नहीं कि जो पढ़ा दिमाग में छप गया। जब पता चलेगा ना कि मेमसी में इतना सब कुछ है, जीआर समझने होते हैं, आईसी के ट्रैक हैं, आईसी की टेक्निकल चीज़ें हैं, कंपोनेंट ही इतना सारा डीपली में है। सिर्फ कंपोनेंट को ये मतलब नहीं है, जैसे अब ये कैपेसिटर है, अब ये कैसा लगा है, सीरीज है कि पैरेलल है, पैरेलल लगा है तो क्या काम कर रहा है, सीरीज में लगा है तो क्या काम कर रहा है, कब मुझे इसको निकालना है, चेंज करना है तो क्यों चेंज करना है, अगर नहीं चेंज करना है तो क्यों नहीं चेंज करना है, बहुत सारे रीज़न है। तो चलिए ग्लू कटिंग हो चुकी है पूरी, देखिए पूरा रास्ता हमने बना दिया है, कोई कंपोनेंट निकला नहीं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक ये है कि आपको निकालने का जो औजार है वो तो आपको दिखाते ही हूँ, साथ में निकालने का एक ट्रिक बताता हूँ नए लोगों के लिए। ये देखिए ये निकालने का औजार है, देख लीजिए इसको, तो ट्रिक ये है कि आप यहाँ के ना ये 2 कैपेसिटर निकाल दीजिए, उसके बाद इसमें यहाँ पे डालिए तो ये आराम से आपके, तो आप इसको ये कर सकते हैं, आप चाहे तो ये 2 कैपेसिटर भी निकाल सकते हैं। ये भी निकालेंगे तो काम हो जाएगा,
ठीक है, थोड़ा सा ग्लू काट देते हैं उसका, इजीली निकल आएगा। ज़बरदस्ती किसी में नहीं करनी है। रजिस्टर नहीं निकलना चाहिए, ना रखिएगा, रजिस्टर निकाल दिए तो आपका आईफोन चालू नहीं होगा, क्योंकि ये सारी रजिस्टर सप्लाइयों से ही लगे होते हैं। आप बेहिचक इसको निकालिए, बट आपके ये रजिस्टर नहीं निकलना चाहिए, ये बिगिनर्स के लिए, इसलिए मैं बहुत आसानी से और आराम से बता रहा हूँ। चलिए अब इसको निकालेंगे, ताकत नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा। नोजल चेंज करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे, सीपीयू बड़ा है, छोटे नोजल के साथ कर सकते हैं। नोजल आप देख लीजिए, ठीक, और इसको 70 पे रखूँगा मैं। सेंटर पे हीट देनी है बिल्कुल आपको, देखिए सीपीयू उठा लिया, एक भी कंपोनेंट नहीं निकला और एक भी टिप्स नहीं निकला, देख सकते हैं आप। सीपीयू देखिए, देखिए यहाँ से हमने सीपीयू उठाया है, आईसी भी माशाल्लाह बिल्कुल सही है हमारी, थोड़ी ज़्यादा एयर हीट से क्या होगा फ़ायदा कि कम समय में जल्दी काम हो जाएगा, कम एयर में कम हीट पे, वही है SMD का गेम है पूरा। आपको पैट्रेस आपको आनी चाहिए और ट्रैक आपको पता होनी चाहिए। देखिए आप ही घर पे भी ट्राई कर लो, हो जाएगा। डोनर बोर्ड चाहिए, ये डोनर बोर्ड होते हैं, इसमें MMC नहीं होती है, मतलब इसमें NAND नहीं होती है, MMC बोल दिया मैंने, NAND नहीं होती है। अब देखिए एंड्रॉयड का काम करते करते आईफोन पर काम उचक जाते हैं, तो यही होता है। तो चलिए अब क्लीन कर आ जाए, ये
यहाँ हमने आईसी को थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि इसका जो ग्लू है नम हो जाए, ठीक है। ये सब ट्रिकें बता रहा हूँ मैं आपको, आई होप लाइक करें आप इस वीडियो को। सो आप देखेंगे, देखिए क्या परत लगी हुई है ग्लू की, दिख रहा है ना आपको। तो पहले हमको उसको कम करना है। और मैं क्या बता रहा था कि आप अगर ये सोचेंगे कि मैं आईफोन भी सीख जाऊँ एंड्रॉयड भी सीखता हूँ, तो हलवा नहीं है मेरे भाई। क्या ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक A20 पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ फुल वाईफाई। ये देखिए, ये डायग्राम्स होते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो एंडलेस सॉल्यूशंस में हम आपको डायग्राम्स बनाते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम्स होते हैं, ये देखिए, ये सारे हमने आप जो भी वीडियो बनाए हैं इसे टेलीकॉम में डाले हैं। ये देखिए, अभी इसमें सैमसंग A50 का डायग्राम डलने वाला है, A20, ये देखिए A20 पूरा डालूंगा उसका वाईफाई का। इसमें वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है पूरा बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप दोनों को एक साथ करेंगे, आप सोचेंगे 10 दिन में ये पढ़ लूँ, 10 दिन में ये वो पढ़ लूँ, या 20 दिन पढ़ लूँ और 2-4 दिन में ऐसा धनिया मिर्ची डाल के अगर मैं एंड्रॉयड पढ़ लेता हूँ तो मैं बड़ा टेक्नीशियन बन जाऊँगा, तो आपने पैसे बर्बाद कर दोगे 102%। सामने वाला तो बुला रहा आपको, वो तो चाहता ही है आप क्या उसको पैसे दो। और कम फीस में जाओगे ना तो और भी आपका नुकसान है। देखो, जो अपनी वैल्यू कम रखते हैं तो आप समझो उनका नॉलेज भी कम है, हमेशा ध्यान रखना। कुछ तो होगा कि वो वैल्यू ज़्यादा रख के बुला रहे हैं, नहीं तो दुनिया में सभी आपको 5-10 हज़ार में पढ़ा देते हैं। वैल्यू कम रखना मतलब अपने आप को कम आंकना। हमें पता है कि हम वैल्यू कम रख रहे हैं, उनके पास हमारे पास स्टूडेंट आएंगे नहीं, क्योंकि सब बड़ी फीस वालों के पास जाएंगे। तो आप ये सोचिए, आप अपने आप को आंकिए कि 30 हज़ार में, 20 हज़ार में, 10 हज़ार में क्या सीख जाएंगे। आईफोन, अगर आईफोन की बात है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप देखेंगे, आप बोलो कि सर मैं एंड्रॉयड भी सीख लूँ, तो मजाक है ये, सीरियस वाला। तो इसमें कुछ पेस्ट मिलाया जाए, धनिया मिर्ची ऐसे जैसे आप लोग सीखते हैं। तो स्टूडेंट को आज की डेट में 10 दिन में ही उस्ताद बनना है, तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। तो क्या करते हैं आप सुबह सुबह उठ के, बताइए मुझे कमेंट करके। कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, दुकान दुकान में ही प्रैक्टिस तो नहीं होती सिर्फ कस्टमर के मोबाइल में। दोस्तों, आपको अपने खुद पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको परफेक्ट नहीं बनाएगा, परफेक्ट आपको खुद बनना पड़ेगा। हाँ, ये है कि कितना ज्ञान आप इंस्टीट्यूट से लेके जा सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके चूज़ पे कि आप 10 दिन के कोर्स में जाना चाहते हो तो क्या ज्ञान ले जाओगे, वही मैं कह रहा हूँ। बाकी ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने के कोर्स में बैठ जाओ, क्योंकि वो तो और भी बेकार की बात हो जाएगी। कोई स्कूल कॉलेज तो ना है ये कि 6 महीने तक सिर्फ यही पढ़ाई कर रहे हैं बस खाली। तो उसमें थोड़ा सा फ्लैक्स चलाएंगे हम, डी शोल्डर वायर हम चलाएंगे। बहुत हल्का हल्का चलाना है, ऊपर ही ऊपर से। दबाना बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत मासूम ट्रैकें होती है इसकी, निकल जाती है, बुरा मान जाएगी वो आपसे, खफा हो जाएगी, तो उसको मनाओ बैठ के। मोबाइल रिपेयरिंग में कितना खर्चा होता है, चलो आज इसकी बात करते हैं। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग में अगर सीखने के अलावा आपको टूल्स का खर्चा लगेगा, सेटअप के बारे में बात करूंगा मैं अगर टाइम रहा तो इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लीनिंग डन हो चुकी है मेरी। क्या क्या टूल्स आपको लेने पड़ेंगे, अगर आप आईफोन सीखते हैं तो आपके पास बहुत सारे टूल्स होंगे, आपको 5 एम्पीयर डीसी मशीन, आपको एक अच्छी SMD 861 या 857 प्लस DW प्लस, आपको सोल्डिंग आयरन सुगुन या एटलीस्ट JBC तो परचेस करना ही पड़ेगा अच्छा काम करना है तो, बाकी नहीं T12 और ये सब आयरन से भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टेंसिल परचेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी स्टेंसिल्स आती हैं, ये देखिए आईफोन में देखो ये 3D स्टेंसिल्स हैं, ठीक है, ये ब्लैक स्टेंसिल बोलते हैं CPU की, यूनिवर्सल स्टेंसिल आईफोन में कोई काम की नहीं है, वो एंड्रॉयड में आती हैं, आईफोन की हम पर्टिकुलर छोटी छोटी आईसियाँ ज़रूर हम उसको रिबॉल कर सकते हैं। आपको नए प्रोग्रामिंग के लिए आपको IPVR JC Pro बॉक्स लेना पड़ेगा, अभी एक नया बॉक्स आ गया है मैजिको, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, मेरे पास आने वाला है वो, मैंने बुलवाया है JEDX मलिक से, काफ़ी अच्छा टूल्स देते हैं और जेन्युइन देते हैं, फेक नहीं है, नहीं तो लोग ने टूल्स के नाम पर कॉपी पकड़ा देते हैं। दोस्तों आप ये सोचिए कि आप अगर आसान बहुत अच्छा मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको आराम आराम से सीखिए, आप हड़बड़ी और डरबड़ी और आप सोचेंगे कि एक महीने में 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में आप मास्टर बन जाएंगे, तो मास्टर तो हम 30 दिन में भी नहीं बना पाएंगे। हाँ इतना है कि आपको सिलेबस ज़्यादा पकड़ा देंगे, आप ज़्यादा लेके जाएंगे पहली बार में और डिटेलिंग में लेके जाएंगे। देखिए बताइएगा फिलहाल अब तक का क्या रिजल्ट है, देखिए आप देखेंगे कि NC के बॉल भी निकलने नहीं दिए, कोशिश यही है। अब यहाँ पे जो आपको ग्लू पेस्ट हार्ड ग्लू जो दिख रहा है उसको निकालेंगे हम, आईफोन 7 से तगड़ा है भाई इसका ग्लू, ये बात तो है। मैं इसका यूज़ भी कर सकता हूँ ग्लू निकालने के लिए, और एक और औजार है मेरे पास इस तरह का, देखिए देख रहे होंगे आपको, स्पीड आपको कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद लानी पड़ेगी, सब आपको तरीके बता सकते हैं।
स्पीड आपको कोई नहीं सिखा सकता, है ना। मैं आपसे बार बार इस वीडियो में यही चीज़ चर्चा कर रहा हूँ, कभी टाइम मिलता नहीं है सब बोलने का। क्या आप अपने आप को खुद आकलन कीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ऐसी जगह जहाँ आपने कॉल किया और आपका एडमिशन हो गया और आपको बार बार कॉल आ रहे हैं, या ऐसी जगह जहाँ आपको कॉल लग ही नहीं रहा है। और चलिए मैं मानता हूँ आप ये सोचना चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल दुकान वालों की बात करते हैं। चलिए दुकान वाले तो और फेक होते हैं, उनको तो कुछ ज़्यादा आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आता तो वो पूरा टोटल तरीके से इंस्टीट्यूट डालते, वो दुकान डालते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी दुकान से भी चलती है। और फिर वो इस तरह का लॉलीपॉप देते हैं कि हमारे यहाँ आओगे तो प्रैक्टिकल काम करोगे। क्या पकड़ाते, कुछ नहीं पकड़ाते। दोस्तों इतने केसेस देखे हैं मैंने, वो आपसे ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि रोज़ आपसे प्रैक्टिकल सेट करवाएंगे, और दुकान के जब आते हैं ना उनके पास मोबाइल, क्योंकि कोई दुकान वाले के पास में 50-50 मोबाइल तो एक दिन में आते नहीं है, स्टूडेंट तो उतने ही भर लेते हैं। जब आते हैं ना तो वो डर जाते हैं देने के लिए फ्रेशर स्टूडेंट को, तो उनको उनमें से सिर्फ एक चुनिंदा स्टूडेंट को देते हैं जिसको थोड़ा बहुत काम आता है, और बाकियों को सिर्फ डेड बोर्ड पे खिलाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल WTR करवा देंगे, एक ऐसा सेट करवा देंगे जिसमें रिक्स ही नहीं होगा। उससे ज़्यादा तो आप इंस्टीट्यूट में सीखोगे, क्योंकि उनको सप्लाई की नॉलेज नहीं होती है, कुछ नहीं होता उनको। क्योंकि वो दिन भर बैठ के अपनी दुकान में मोबाइल बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं एक बार आपको बुलाने के बाद। और आजकल तो स्टूडेंट भी सबर नहीं करते हैं, सीधे सीखते हैं और उनको थोड़ा बहुत आ भी जाता है ना चलिए तो सीधे इंस्टीट्यूट डाल देते हैं। कितने स्टूडेंट इंस्टीट्यूट डाले हुए हैं और स्टूडेंट जा भी रहे हैं उनसे, फिर बाद में जाके रोते हैं, सर हम कुछ नहीं सीखे, सर हमें कुछ नहीं है बताया गया। अब कैसे बताएगा, अरे उसको ले देकर कितना समय हुआ है, 1-2 साल, तो 1-2 साल में उसने कितना सीख लिया होगा, उसको उतना ही आता है जितना एक इंस्टीट्यूट ने उसको सिखाया था। आप सोचिए उसके पास जाने से आप क्या कर लेंगे, खाली पावर IC बदलना है, CPU रिवॉल्व करने को मोबाइल रिपेयरिंग कहते हो, तो फिर दुनिया में कहीं भी जाके बैठो। फिर पर जितने फेक दुकान वाले होते हैं दोस्तों, उतना तो कोई भी नहीं होता है। मैं सच बताऊं, जो मोबाइल रिपेयरिंग आप दुकान में बैठ के सीख रहे हैं ना, और जो कीपैड में सिखा रहे हैं वो तो और ही माशाल्लाह है, क्योंकि कीपैड आप तो वो खुद नहीं रखते होंगे अपनी जेब में। ऐसे इंस्टीट्यूट में तो कभी मत जाओ जो कीपैड की लाइट सेक्शन, जो कीपैड का फलाना कीपैड का, अरे क्या 4G कीपैड का भी बात, चलो समझते हैं कि उसका पावर CPU आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लगवा रहे हैं, फिर बाद में आपको हम तो ये करते हैं, हम जियो का आपसे CPU MMC जो स्टूडेंट फ्रेशर होता है हम उससे पहले वो लगवाते हैं, फिर बाद में उसके 4G हैंडसेट पे काम करवाते हैं। पूरे लाइव वीडियो हमारे डले हुए हैं, आप जाइए फेसबुक पे, आप देखिए जितना लाइव हम डालते हैं। अब अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर Acer टेलीकॉम के बारे में कभी ऐसा सुनने को मिलता है, वैसा सुनने को मिलता है, तो दोस्तों एक बार बता दूं, हर स्टूडेंट सेम नहीं होता, हर स्टूडेंट की कहानी होती है। कुछ स्टूडेंट आने को कोर्स को मजाक समझते हैं, उनको लगता है कि बहुत आसान है, जब उनको लगता है कि बहुत मेहनत है फिर जाके कर नहीं पाते, तो फिर वो किसी भी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे कुछ एक चंदात निकल आते हैं। उन पर कुछ नहीं होता, उन पर खुद वक्त उनको बता देता है।
आप किसी के बारे में कब तक बोलोगे? आप अपनी रोजी रोटी तो कमाओगे ना, किसी के बारे में बुरा बोल के उसका आप कुछ नहीं छीन सकते दोस्तों। एक बार बताइए, अगर वो अच्छा है तो उसके बाद भी चलेगा। और एक बार बताइए, इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बता दो जिसकी क्लास लाइव चल रही हो। आप हमारे यहाँ जाओगे तो हमारी क्लास आपको लाइव दिखेगी। अगर अब आपको देखना है तो एसर टेलीकॉम, फेसबुक में एसर टेलीकॉम सर्च कर लो, मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। एक बार उसका डिसोल्डर वायर फिर से चलाएंगे। प्रोसेस यही है कि कोई भी कंपोनेंट निकलने नहीं दिया। मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ, पर ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको, ताकि आपको डिटेलिंग करके दिखा सकूँ। तो ALM CPU तो हमारा बोर्ड पे तो क्लियर हो गया, और जहाँ एक आध दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो NC है। बन गया आपका वीडियो? बोलो बोलो। देखिए दोस्तों, मेरी वाइफ मेरे लिए क्या लाई है। आइए आपको अब मेरी वाइफ से मिलाता हूँ। अच्छा अभी नहीं, तो उन्होंने लगा दिया है। दिख ही नहीं रहा, देख सकते हैं आप। तो अभी है मॉर्निंग, अभी हम नहाए भी नहीं हैं, और एक तो ब्लॉग टाइप का बन गया। प्रैक्टिस में आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो सफाई से काम करने में टाइम लगता है यार, हड़बड़ी का काम नहीं है, और काम करते करते हड़बड़ी वाला भी टाइम आ जाता है। चाय टोस्ट खाना है? नहीं, बस नहाने जाएंगे इसके बाद। तो अब देखिए, बिल्कुल क्लीन हो गया है हमारा CPU। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अब हम IC को क्लीन करेंगे इसके दूसरे पार्ट में।